इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया। उन्होंने पोस्ट किया है, श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से बीजेपी प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन और वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे लिखते हैं, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। श्री करणपुर में 5 जनवरी को होने वाले इस मतदान को लेकर उन्होंने अपनी ट्वीट को रखा है और कहा है कि इस तरह के संवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा आलाकमान के अहंकार को दर्शाता है। तो आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है और उन्होंने इस पोस्ट के जरिए लिखा है कि श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन एवं वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा आलाकमान के अहंकार को दर्शाता है।